नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे नंबर जो कि बहुत ज्यादा खराब दिख रहे हैं मुझे हर एक पैमाने पे, बट टेक्निकल बेसिस पे चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा है या फिर ट्रेडिंग पोजिशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन रिजल्ट से ना डरें और अपना स्ट्रिक्ट एसएल फॉलो करें। इनफैक्ट अगर ये रिजल्ट्स नहीं भी हुए होते ना तो भी आपको वही एसएल फॉलो करना था। इन केस ये रिजल्ट्स के दम पर वो लेवल ब्रेक करते हैं डेफिनेटली निकल जाना। जो पोर्टफोलियो में रख के बैठे हुए उनसे भी मैं कहूंगा कि रिजल्ट्स तो डेफिनेटली खराब आए हैं, बट थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। पहले स्टॉक के नंबर्स बता दूं, पहले स्टॉक का नाम बता देता हूं सबसे पहले। तो कंपनी का नाम है दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी। अगर पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बात करें तो इसके नंबर्स काफी ज्यादा खराब दिख रहे हैं। स्टॉक 236 रुपीस के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस कंपनी ने 3 रुपए पर शेयर का सबसे पहले अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द शेयर होल्डर्स। 3 रुपए पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस कराया पेट्रोनेट एलएनजी ने। अब आते हैं इसके प्रॉफिट पे। अगर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का अगर आप देखोगे ना तो 750 करोड़ से घटकर 614 करोड़ पे आया है साल दर साल। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो 1100 करोड़ से घटकर 614 करोड़ पे है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% गिरता हुआ दिख रहा है एंड साल दर साल भी प्रॉफिट में गिरावट ही आपको अराउंड 15% के समथिंग की गिरावट देखने को मिली है। तो नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं ऑन द फ्रंट ऑफ प्रॉफिट। अब आते हैं रेवेन्यू यानी आय पे। तो रेवेन्यू में भी कुछ ऐसा नहीं है कि तूफानी हो गया है। 15,900 करोड़ से घटकर 13,900 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहां थोड़ा जंप है, 11,200 करोड़ से बढ़कर 13,900 करोड़। यानी रेवेन्यू में एक चेंज है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू भी गिरता हुआ दिखा है। अब कामकाज मुनाफा देख के तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। 1675 करोड़ के सामने 943 करोड़ का कामकाज मुनाफा कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पेश करा है। इसको मैं इंग्लिश में आपके साथ शेयर करता हूं। 1675 करोड़ से घटकर 943 करोड़ पे आपका कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है जो कि बहुत ज्यादा वीक दिख रहा है, यानी खराब ही दिख रहा है। एबिटा मार्जिन देखोगे तो 10.62% से घटकर 6.80% पे एबिटा मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो हर एक पैमाने पे नंबर्स बहुत ज्यादा खराब दिख रहे हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इसका टेक्निकल व्यू। तो देखिए पेट्रोनेट एलएनजी क्या कर रहा है ना, कंटिन्यू हायर हाइज लगा रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी दिख रही है इस स्टॉक में, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे उतना डर नहीं लग रहा है। अगर 6 महीने या ईयर टू डे देखू ना तो मुझे दिख रहा है कंटिन्यू हायर हाइज। तो ये स्टॉक अगर गिरता है अराउंड 222, बड़ी गिरावट बता दी मैंने, बड़ा लेवल दे रहा हूं, 222 रुपए तक गिरावट में डरना नहीं है। 222 रुपए तक गिरावट होती है तो वो आपके लिए, आप चाहो तो एक कॉन्ट्रा बेट लेके खरीद भी सकते हो, प्रॉपर ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो क्योंकि 222 रुपए पे स्टॉक का प्रीवियस स्विंग लो जो कि 27 मार्च को लगा था, उससे पहले का स्विंग लो 220 का था, उसके बाद हाई लगाया 240, फिर स्टॉक ने लो लगाया 223 के समथिंग का, 222, फिर अभी हाई लगाया दोबारा से आज 242 का इंट्राडे बेसिस पे। एंड क्लोजिंग बेसिस की बात करूं तो 236 के लेवल्स पे बंद हुआ है, यानी अभी भी हायर हाइज है। ट्रेंड लाइन फॉलो करोगे तो अराउंड 220 के समथिंग की ट्रेंड लाइन भी निकल के आएगी। तो 222 रुपए का लेवल आपके लिए डू और डाई, अगर ये निकाल देना स्टॉक तो जय श्री राम कहकर स्टॉक को छोड़ देना, अदरवाइज मुझे लगता है अभी आपको वेट करना चाहिए। स्टॉक डेफिनेटली खराब रिजल्ट पेश करते हुए दिखाए और 222 के नीचे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिप हो जाएगी। 222 के नीचे 220 फिर 215, मतलब मल्टीपल सपोर्ट आपके लिए सामने आएंगे। अगर 52 वीक लो की बात करूं, 195 का 52 वीक हाई आज ही लगाया स्टॉक ने, तो अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका ब्रॉडर लंबा व्यू देखोगे तो ब्रॉडर बेस अगर ओवरऑल देखो तो 5 साल में लगभग 300 रुपए तक के लेवल्स भी स्टॉक ने दिखाए हैं और करीब करीब 2016 के बाद स्टॉक साइडवेज चला गया है। 186 से लेकर 250 के बीच में घूम रहा है 2016 से, यानी 4 साल वो 3 साल यानी 7 साल से स्टॉक ने कुछ नहीं किया है। 2013 में स्टॉक का भाव 57 रुपए था, जिसके बाद स्टॉक 2017 में बढ़कर 311 रुपए का हो गया, 2017 में स्टॉक का भाव 260 का हो गया 57 से बढ़कर ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न। लेकिन तब से अभी तक देखो तो अभी भी 300% की रिटर्न है, कुछ नहीं दिया। डिविडेंड यील्ड 3.5% के समथिंग वही डिविडेंड देता है। या तो आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो फिर होल्ड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, डिप्स में एवरेज भी करना चाहिए 200 के समथिंग मिले तो। बट इस स्टॉक में मुझे अभी कुछ खास दिख नहीं रहा है, रिजल्ट्स काफी खराब है। अगर रिजल्ट्स के बाद गिरता है 222 का स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास
ट्रेडिंग व्यू है, पोजिशनल व्यू है, और जो एक कॉन्ट्रा बेट ले सकते हैं अगर कल गिरता है 226 224 पे, तो 222 या फिर 220 के स्टॉप लॉस से आप फ्रेश एंट्री लें, प्रॉपर होल्ड करें, 230 235 का टारगेट रखें और बुक करें। ये मेरे हिसाब से स्टॉक में आपका व्यू होना चाहिए। होप आपको वीडियो जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।